Hello, this is Pinto Mishra. I welcome you all again in another session of reasoning. Today I am going to discuss about a ranking. फ्रेंड्स, रैंकिंग जो है ना, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एक कॉमन टॉपिक है। जैसे कि आप अगर बैंक एग्जाम्स तैयारी कर रहे हैं, SSC तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं ना, वहाँ रैंकिंग लगभग हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली में अगर आप देखें तो SBI ने PO और क्लर्क के लिए प्री एग्जाम्स कंडक्ट करा है, उसमें लगभग हर एक शिफ्ट में आपसे रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया। सो आप ये बोल सकते हैं और इट्स कन्फर्म कि जो रैंकिंग है ये पूरे रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको इग्नोर या फिर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको इसको लेकर चलना पड़ेगा। ओके, सो रैंकिंग का हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक जानेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा BSC चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पे जाइए, वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए, आपको राइट टॉप पे एक नंबर दिखा हुआ है, दिख रहा है ना नंबर? ये हमारे जमशेदपुर ब्रांच के BSC के ब्रांच का नंबर है, मोबाइल नंबर है। आप कभी भी इस नंबर पर फ़ोन करके किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंकिंग। रैंकिंग में भी आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो सो क्वेश्चंस हम डायरेक्ट हम लोग नहीं आएंगे। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले जरूरी है कि हम लोग रैंकिंग जो चैप्टर है ना, इसके पीछे का लॉजिक जाने, एक्चुअल क्या लॉजिक होता है। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग आएंगे ना क्वेश्चंस पे, फिर देखिएगा आप कैसे इजीली इस क्वेश्चंस को आप डील करेंगे। ठीक है, और जो मेरा तरीका होगा बता देंगे ना, बहुत ईजी होगा, फिर आपके लिए रैंकिंग कोई पहले नहीं बन के रह जाएगा, बहुत आसान चैप्टर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कहीं अगर ये लिखा हुआ है ना कि ए इज bigger than B, तो आप इसको जस्ट ऐसे लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि A इज bigger than B। आगे फिर लिखा हुआ उसी में लाइन में कि B इज bigger than C, यानी कि B इज bigger than C। फिर एक लाइन कनेक्ट किया इसमें कि B इज also bigger than D, यानी B जो है वो डी से मेरा बड़ा है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बिगर कौन है, सबसे बिगर कौन है, मेरा ए है। और सबसे अगर छोटा का पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन है, तो मेरा डी या सी आइदर में आंसर आएगा, डी या सी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, डी और जो सी है ना, ये बी से जुड़ा हुआ है। अगर इसको एक मिनट, ए तो मेरा बड़ा है बी से, तो इसको हम लोग हाइड करते हैं एक सेकेंड के लिए। तो आप देखिए, जो बी मेरा है वो सी और डी दोनों से बड़ा है, और सी और डी के बीच तो कोरिलेशन नहीं दिया गया है ना। जब इन दोनों के बीच कोरिलेशन नहीं दिया गया, तो फिर आइदर डी और सी हो जाएगा। हो सकता है कि डी और सी में कौन छोटा है कौन बड़ा, हमको तो पता नहीं चल रहा ना, तो हमको आइदर में देना होगा कि आइदर मेरा डी या सी, सी मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये जो हम लोग अभी तक सेंटेंस पढ़ रहे थे, ये मेरा पॉजिटिव में था। इसके निगेटिव में क्या रहता है? जैसे मान चलिए इसी लाइन को लिखा, फिर अलग से एक लाइन हम ले लेते हैं कि लिखा रहेगा कि एफ इज नॉट एज बिग एज पी। अब बोलेगा कि एफ जो है उतना लंबा, उतना बड़ा नहीं है जितना कि पी है, यानी क्या होगा, पी जो है मेरा एफ से बड़ा है, ऐसे लिखेंगे। यह क्या हो रहा था, एज बिगर देन ए को हम लोग कर रहे थे, इसमें अपोजिट हो जा रहा था। अगर आप इसका पूरा हिंदी में निकाल तो क्या निकलेगा कि एफ जो है उतना बड़ा नहीं है जितना कि पी, तो मेरा बड़ा कौन सा हो जाएगा, इसमें एफ बड़ा हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। मान के चलिए कि एक रो दिया हुआ है, ये मेरा रो दिया गया है। ठीक है, रो में अगर कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है कि वो नॉर्थ देख रहा है, साउथ देख रहा है, वेस्ट देख रहा है, या फिर वेस्ट नॉर्थ देख रहा है, वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार डायरेक्शन होता है ना जनरली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जनरली चार ही डायरेक्शन हम लेकर चलते हैं, होने के लिए तो और भी छः होते हैं। तो जो चार ये डायरेक्शन होता है ना, इसमें कोई डायरेक्शन अगर आपको डिफाइन नहीं किया गया रहता है, तो फिर लेफ्ट साइड हम ये लेते हैं और राइट साइड हम ये लेते हैं। ये मेरा लेफ्ट एंड हुआ और ये मेरा राइट एंड हुआ। ठीक है, अब कोई मान के चलिए कि रो में अगर कोई बैठा हुआ है, कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल कोई मान के चलिए कि एक्स बैठा हुआ है, हम ही मान के चलते हैं। अब एक्स का मेरा लेफ्ट साइड ये होगा और राइट साइड ये होगा। ये मेरा जो LR लिखा है ना, ये मेरा लेफ्ट एंड हुआ, ये लेफ्ट एंड से हम लोग जा रहे हैं और ये राइट एंड से आ रहे हैं। लेकिन बीच में और कोई इंडिविजुअल बैठा रहेगा ना, तो इंडिविजुअल का लेफ्ट ये होगा और राइट मेरा वो हो जाएगा। ठीक है ना, अब खुद को भी जूम करिए, सपोज आप ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो लेफ्ट आपको निकल के आ रहा है, राइट आपको उधर आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही क्वेश्चन में बोलता है कि साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो यानी क्या हो जाता है, अब आपको जैसे ही साउथ में अगर आएगा, तो फिर आपका राइट डायरेक्शन ये हो जाता है, लेफ्ट डायरेक्शन ये हो जाता है, और यहाँ पे भी अब क्या होता है, लेफ्ट ही हो जाता है या राइट ही हो जाता है। यानी कि जो डायरेक्शन रहते हैं साउथ के कंडीशन में, नॉर्थ के कंडीशन में, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये क्लियर है फ्रेंड्स?
अब इसमें ये पूछा जाता है, एक रो है, ठीक है, एक रो है जिसमें ए का जो पोजीशन है ना वो लेफ्ट से फिफ्थ मान के चलते हैं कि फिफ्थ है, ठीक है, और उसी रो में बात की जाता है कि ए का ही जो पोजीशन है ना वो राइट से एलेवेंथ है, ए का जो पोजीशन है ना लेफ्ट से फिफ्थ है और राइट से क्या है एलेवेंथ है। तो फिर पूछा जाता है कि बताइए कि उस रो में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। जब ऐसे किसी भी एक रो में किसी एक इंडिविजुअल का दोनों एंड से पोजीशन आपको पता हो, लेफ्ट या राइट दोनों तरफ से, टॉप या बॉटम दोनों साइड से, तो फिर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो देखिए लेफ्ट कितना है मेरा फाइव और राइट कितना है मेरा एलेवेंथ और माइनस वन, एलेवन और फाइव कितना होता है सिक्सटीन, माइनस वन इक्वल टू फिफ्टीन, मेरा फिफ्टीन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हमने फार्मूला आपको बता दिया कि लेफ्ट और राइट माइनस वन, ठीक है। अब इस फार्मूले के पीछे भी आपको जाना पड़ेगा कि माइनस वन हम लोग क्यों किए, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे जैसे हम लोग लेके यहाँ चलते हैं कि पाँच कैंडिडेट है वन टू थ्री फोर फाइव, मैं आपको समझा रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट को ऐड करके माइनस वन हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखिए पाँच जन बैठा हुआ ना, हम ऐसे लेके चले कि करो इसमें पाँच लोग बैठा हुआ है, ए जो है यहाँ बैठा हुआ है, क्लियर है। अब ए जब यहाँ बैठा हुआ है तो देखिए तो इसका लेफ्ट से पोजिशन क्या रहा है वन टू थ्री, लेफ्ट से इसका पोजिशन है आपका थ्री और राइट से देखिए वन टू थ्री, राइट से भी इसका पोजिशन कितना आ रहा है थ्री आ रहा है ना। अब दोनों को ऐड करते हैं अगर तो थ्री प्लस थ्री कितना है सिक्स है ना, सिक्स आया। लेकिन देखिए तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हम लोग कितना लेके चले थे वन टू थ्री फोर फाइव, ये तो सिक्स आ गया। सिक्स इसलिए आया क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट किए तो भी ए उसमें शामिल था और जब इसको हम लोग राइट साइड से काउंट किए तो भी इसमें ए काउंट है मेरा, यानी ए को हम लोग कितने बार काउंट किए दो बार काउंट किए हैं, लेकिन है तो ए एक ही जन ना, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग माइनस वन कर देते हैं। तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इनकी इलेवन प्लस फाइव माइनस वन इक्वल टू मेरा पंद्रह आंसर हुआ। आई थिंक यू गॉट इट, आप ये समझ चुके हैं कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन के बिहाइंड क्या लॉजिक होता है माइनस वन करने का, ये क्लियर हुआ। सेकेंड चीज इसमें एक और चीज रहता है जो जनरली कैंडिडेट बहुत उसमें डाउट में रहते हैं, जैसे मान के चलिए कि एक पर्सन है, ठीक है, इसका लेफ्ट से पोजीशन दे दिया गया है फोर्टीन, ठीक है, और एक दूसरे क्वेश्चन में ए जो है राइट से पोजीशन दिया गया है ये फोर्टीन, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक बात बताइए, ये जो हम लोग फोर्टीन से यहाँ लेके चले हैं कि जो ए जो है मेरे लेफ्ट से फोर्टीन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये ना कि हम इसको इधर से काउंट किए हैं वन टू थ्री फोर फाइव करके यहाँ तक हम लोग फोर्टीन तक गए हैं, इधर से थोड़ी हम लोग काउंट कर रहे हैं, ए को जो बोले हैं कि लेफ्ट से उसका फोर्टीन है ना, तो यानी कि हम लोग इधर से वन टू थ्री फोर करके यहाँ तक गए हैं, यानी कि ये मेरा थर्टीन है, ये ट्वेल्व है, ये इलेवंथ है, और इसका राइट हम लोग जाएंगे तो ये फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, यानी कि जब ए जो है लेफ्ट से पोजीशन दिया हुआ है और उसके हम लोग राइट साइड में जाते हैं, तो राइट साइड में जब जाते हैं तो ये बढ़ते जाता है और लेफ्ट साइड में आते हैं तो क्या होता है घटते जाता है, लेकिन जब हम लोग डायरेक्शन दूसरे में आते हैं दूसरे छोर से तो ये वाला चीज़ जो होता है ना एकदम रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा होता है ना कि देखिए यहाँ क्या था कि लेफ्ट से हम लोग काउंट करके फोर्टीन तक गए थे, लेकिन इसमें क्या है ना कि हम लोग राइट से काउंट करके यहाँ तक फोर्टीन तक पहुँचे हैं, ए का जो पोजीशन है फोर्टीन यहाँ है दिया हुआ है, तो इसमें यानी कि राइट से जब दिया हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो पोजीशन है ना वो राइट से काउंट किया गया है, तो राइट से काउंट किया गया तो इससे पहले थर्टीन होगा ये ट्वेल्व होगा और ये क्या हो जाएगा मेरा फिफ्टीन होगा सिक्सटीन होगा सेवनटीन होगा, क्लियर फ्रेंड्स। ये चीज़ एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं सब बहुत डाउट रहते हैं कि सर कभी लेफ्ट राइट हम लोग जा रहे हैं तो कभी असेंडिंग ऑर्डर हम लोग बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं तो घटते क्रम में जा रहे हैं, क्यों होता है, बहुत कैंडिडेट डाउट में रहते हैं। तो फिर से एक बार मैं ब्रीफ आपको बता दे रहा हूँ ब्रीफ में कि ए का जो पोजीशन है लेफ्ट से दिया गया है, लेफ्ट से देने का मतलब ये है ना कि काउंटिंग उसका इधर से हुआ है वन टू थ्री करके फोर्टीन, अब आगे बढ़ते जाएंगे तो फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन बढ़ते जाएगा, ठीक है, और इसमें ए का जो पोजीशन है ना वो राइट से दिया गया यानी कि इधर से काउंटिंग किया गया वन टू थ्री फोर फाइव करके किया गया है, यानी कि इधर से काउंटिंग किया गया, इसीलिए जब इस पोजिशन में लोग राइट जा रहे हैं तो माइनस होगा घटते जाएगा और इस कंडीशन में जब हम लोग राइट जाएंगे तो वो बढ़ते जाएगा, क्लियर है फ्रेंड्स। अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दो चीज़ और है जो ओवरलैप करने के कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसे निकालते हैं तो जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, वहाँ आप क्रिस्टल क्लियर आपका हर एक चीज़ हो जाएगा। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है ना,
Each of J, K, L, M, N has different heights. M is only shorter than J. K is not as tall as N. N is shorter than L. Who is shortest of them? यानी कि पांच जन दिया गया है, उसमें सबका रिलेशन किसी ने किसी के साथ कनेक्ट किया गया है और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना फ्रेंड, सबसे पहले क्या करिए कि पांच लोग हैं ना, तुरंत ऐसा पांच तो ना लकीर खींच लीजिए। अगर नहीं खींच के भी आप बनाते हैं, डायरेक्ट आप ऐसे बनाते हैं कि एम इज ओनली शॉर्टर देन यहाँ से, तो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर ये आप करके बनाते हैं तो क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पांच लकीर खींचने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से एक से दो सेकेंड। और यहाँ क्या होगा, हमको पता रहेगा ये लेफ्ट साइड जो रहेगा ना, इसको हम लेकर चलेंगे सबसे बड़ा, और ये जो राइट साइड रहेगा उसको लेकर चलेंगे हम लोग सबसे छोटा। यानी कि हम लोग इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट से राइट चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि एक दो जगह जैसे आपका फील हो जाएगा ना, तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने बड़ी आसान हो जाएंगे। यहाँ तो दो दो लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि इससे कोई जरूरत नहीं है, बट ये जो हैबिट रहेगा ना एग्जाम में बहुत ही बहुत बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें एक लाइन पहला दिया हुआ है कि एम इज ओनली शॉर्टर देन जी, एम जो है ना ओनली शॉर्टर देन जी। फ्रेंड्स, रैंकिंग का जो चैप्टर होता है उसमें ओनली जो वर्ड होता है ना, ये वाला जो वर्ड दिया गया है ओनली, ये बहुत यूजफुल वर्ड होता है और इसको समझ, लॉजिक इसका समझना बहुत जरूरी है जो ओनली वर्ड दिया हुआ। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप किसी एग्जाम में, या फिर मान के चलिए ए बी सी डी करके 10 लोग हैं किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, रिजल्ट आता है, अब आप किसी कैंडिडेट से फिर अपने टीचर से पूछते हैं कि बताइए कि बी का जो पोजीशन है ना, वो 10 जो कैंडिडेट हैं उसमें क्या है। तो अगर आपने बोला कि बी का जो रैंक है ना, बी का जो या फिर मार्क्स मिले, रैंक से छोड़ता हूँ, मार्क्स पे आते हैं, ये बोला गया कि जो बी का मार्क्स है वो ए से ज़्यादा है, और ओनली वर्ड नहीं बोला गया, सिर्फ ये बोला गया कि बी का जो मार्क्स है ना वो ए से क्या है, ज़्यादा है। तो ए का जितना भी मार्क्स ज़्यादा होगा, हो सकता है कि ए का जो पोजीशन होगा, ए का जितना भी मार्क्स होगा उससे ज़्यादा होगा बी का, कितना ज़्यादा है हमको नहीं पता। लेकिन जैसे इसमें ओनली वर्ड जो होता है ना, बोला जाता है कि बोला गया अगर आपसे कि बी का जो मार्क्स है ना वो सिर्फ ए से कम है, ओनली वर्ड लगाया गया कि बी का जो मार्क्स है ना ओनली लेसर देन ए, बी का मार्क्स है ओनली लेसर देन ए, तो ओनली लेसर देन का मतलब क्या होगा, और सबसे बड़ा है। फिर समझ में आ रहा मेरा बात कि 10 कैंडिडेट सपोज दैट है, आपसे पूछा जा रहा है कि बी का रैंक क्या है। ठीक है ना, बी का रैंक क्या है, उसमें अगर बी के बारे में अगर 10 कैंडिडेट बैठे तो हम बोले कि बी का जो रैंक है वो सी से ज़्यादा है, तो सी से ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा है हमको तो नहीं पता ना। लेकिन जैसे जैसे ओनली वर्ड लगा दिया जाता है ना, बोला गया है कि बी का जो रैंक है ना वो सिर्फ सी से छोटा है, ओनली बी का जो रैंक है ओनली जो सी से छोटा है, यानी कि और सबसे बड़ा है। क्लियर हुआ, इसमें बोला गया कि एम जो है ना, एम इज ओनली शॉर्टर देन जे, एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जे से छोटा है, यानी कि और जितने लोग हैं सबसे बड़ा होगा। क्लियर हुआ, अरे ओनली वर्ड नहीं रहता तो फिर हम इसको एम को यहाँ और जे को यहाँ प्लेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि एम से एम जो है जे से छोटा था, लेकिन कितना छोटा हम नहीं बता सकते थे कि जे हो सकता था यहाँ पर है, जे हो सकता था यहाँ पर है, लेकिन वर्ड ओनली वर्ड लगा दिया तो फिर हमको यहाँ पर ही करना पड़ेगा, यानी कि एम जो सिर्फ जे से ही छोटा है, बाद बाकी और सबसे क्या है मेरा बड़ा है, तो हम यहाँ प्लस पुट कर दिया इसको। अब क्या दिया है कि के इज नॉट एज टॉल एज एन, अब फ्रेंड्स आपको बताया था ना नॉट के टर्म में, अब बोला है कि के जो है उतना लंबा नहीं है जितना कि एन, तो यानी एन क्या है, के से लंबा है। क्लियर हुआ, बोला गया ना कि के इज नॉट एज टॉल एज एन, के उतना लंबा नहीं है जितना कि एन लंबा है, यानी कि एन इज ग्रेटर देन के। अब देखिए इसमें ओनली वर्ड यूज नहीं किया ना, तो ओनली वर्ड जब यूज नहीं किया तो हम या तो एन यहाँ भी हो सकता है या फिर एन यहाँ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एन यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि एन अगर यहाँ होगा तो फिर के लिए मेरे पास जगह नहीं रहेगा, लेकिन दो जगह तभी मेरे पास पॉसिबिलिटी बन रहा है ना, और ओनली वर्ड इसमें दिया नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब फिर दिया हुआ है कि एन इज शॉर्टर देन एल, एन जो है ना वो किससे छोटा है, एल से, एन जो है छोटा है एल से। अब देखिए मेरे पास तीन तो वेरिएबल मिला, 1, 2, 3 और प्लेस भी तीन तो खाली है, 1, 2, 3, अब तीनों क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एल एन और के। अब क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम, सबसे छोटा कौन है, तो देखिए बोला था ना सबसे छोटा हम लोग राइट हैंड पे लेके चलेंगे, तो मेरा सबसे छोटा कौन सा आ गया, के मेरा आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, आई थिंक यू गॉट इट। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्लास पर, दूसरे क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सेकंड से पूछा हुआ है ना कि गोपाल रैंक्स 16 फ्रॉम द टॉप एंड 15 फ्रॉम द बॉटम इन एग्जाम्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जाम। अब बोला गया ना कि गोपाल का जो रैंक है ना वो टॉप से कितना है, गोपाल मतलब जी लिखते हैं हम लोग, टॉप से कितना है 16 है, और बॉटम से कितना है
15th है। फिर पूछा गया टोटल नंबर, तो बताया था ना किसी भी रो में किसी एक इंडिविजुअल का अगर दोनों एंड से आपको अगर उसका पोजीशन पता है तो फिर इसके लिए फार्मूला क्या होता है। स्टार्टिंग में बताए थे लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी कि 16 प्लस 15 माइनस वन, 16 15 कितना हो जाएगा ऐड करने से 31, माइनस वन इक्वल टू 30, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। लेकिन फ्रेंड्स ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा ना, क्वेश्चंस क्या पूछता है इसमें ना, एक लाइन पहले ऐड कर देगा ना कि इन ए रो ऑफ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स हम क्या बोलना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, बोलेगा ना कि इन ए रो ऑफ स्टूडेंट, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स, अब किसी एक इंडिविजुअल क्या करेगा कि दोनों एंड से पोजीशन दे देगा। और फिर क्वेश्चंस क्या पूछेगा ना, क्वेश्चंस पूछेगा कि फिर बताइए कि हाउ मेनी बॉय इन द रो, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं ना कि स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट्स में तो मेल और फीमेल दोनों होते हैं ना, लड़का और लड़की दोनों होते हैं, तो वो तो रो दिया गया स्टूडेंट्स का। अब उससे अगर आप लेफ्ट और राइट और माइनस वन का कंसेप्ट आप लगाते हैं तो वहाँ आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलेगा, ना कि टोटल नंबर ऑफ बॉय या फिर टोटल नंबर ऑफ गर्ल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि वो क्या करता है कि एग्जाम्स में इन ए रो ऑफ स्टूडेंट बोलेगा। तो स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें लड़का और लड़की दोनों आ गए। और फिर वो पूछेगा आखिर में क्या पूछता है ना, कि आखिर में पूछेगा फिर बताइए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉय या फिर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल, तो मेरा आंसर क्या होगा, सी एन डी होगा। और जो मान चलिए इसमें रहता नहीं, इसमें पूछ जाता अगर कि टोटल नंबर ऑफ बॉय पूछता, ये तो जो हम लोग निकाले टोटल नंबर एक कैंडिडेट का निकाले, टोटल स्टूडेंट्स का निकाले हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 30 आया। अब इसमें एक लाइन ऐड कर देता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉय, और जब बॉय करता है तो फिर ऑप्शन में ना पहला ही ऑप्शन आपको 30 देता। क्यों देता, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ गलती करने वाले होते हैं। एग्जाम्स में क्या होता है ना, कैंडिडेट बहुत झटपट क्वेश्चन करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, झटपट पेन चलाते हैं, फिर तुरंत क्या करेंगे 16 और 15 ऐड करेंगे 31 माइनस 29, पहला ऑप्शन उनको दिख भी जाएगा 30 और तुरंत वो लोग क्लिक करके आ जाएंगे। सो आपको थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा लिंक क्लियर हुआ, चलिए अब हम लोग तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि मीना रैंक थर्ड फ्रॉम द टॉप एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 25, फाइंड द रैंक ऑफ मीना फ्रॉम बॉटम। जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है, आपका टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दिया रहे और किसी एक इंडिविजुअल का एक रो एक एंड से आपका पोजीशन दिया रहे और दूसरे एंड से जब पूछा जाए ना, तो इस सिंपल क्या करिए कि टोटल नंबर माइनस जो रैंक एक रैंक से एक तरफ से जो दिया गया है ना, क्या दिया गया है यहाँ पे थर्ड दिया गया है ना, यानी कि उससे एक कम, यानी कि 23, 25, 3 दिया है ना, तो हम दो कर देंगे माइनस कर देंगे 23rd मेरा आंसर आएगा। कैसे है फिर से एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब किसी रो में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दिया रहे और किसी एक इंडिविजुअल का एक एंड से उसका पोजीशन दिया गया रहे और दूसरे एंड से उसका पोजीशन पूछा जाएगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल नंबर माइनस जो एक छोर से उसका एंड दिया रहेगा, रैंक दिया रहेगा, जैसे थर्ड दिया ना, तो उससे एक कम यानी कि 2, तो 25 माइनस 2 क्या हुआ 23। अब क्यों हम लोग माइनस एक करते हैं, क्यों एक कम करते हैं, वो चीज़ आपको हम समझा रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए एक क्लास में नेहा का जो रैंक है ना, अब क्लास में टोटल स्ट्रेंथ मान के चलिए कि 5 है। अब जो नेहा का जो पोजिशन है वो आपका सेकेंड है, यानी कि एक नंबर पर कोई और है और दूसरे नंबर पे आपका नेहा है, ठीक है ना। और इसमें फिर फिफ्थ जो पोजीशन है ना वो राजू का है। यह छोटा छोटा चीज़ आपको समझा रहे हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये राजू, ठीक है ना, नहीं नेहा का पोजीशन, एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन समझाने लगे, ठीक है, नेहा का पोजीशन है चलिए यहाँ पे, ठीक है, पांच कैंडिडेट में। अब यहाँ से पूछा गया कि एक एंड से नेहा का तो पोजीशन सेकंड है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है 5 है। अब इनको पूछा जाए कि बॉटम से इनका पोजीशन कितना होगा, ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल माइनस 2 करते हैं अगर जो दिया हुआ है, तो देखिए कितना आएगा 3 आएगा ना, तो 1 2 3, तो 3 आ रहा है नहीं आ रहा ना, 4 आ रहा है, क्यों आ रहा है ना, क्योंकि जगह हम लोग अगर 2 अगर माइनस कर रहे हैं ना, तो यानी कि आप इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, आप नेहा को छोड़ के निकाल रहे हैं कि उसका कितना पोजीशन है, ठीक है। हमको क्या करना है ना कि हमको तो नेहा का भी पोजीशन निकालना है ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेहा का जब टोटल नंबर आप दिया और एक एंड से नेहा का जो पोजीशन दे दिया गया और दूसरे एंड से पूछा गया, यानी कि उसके नेहा के पोजीशन को भी आपको निकालना है, तो जब उसके पोजीशन को भी निकालना है, इसलिए हमको एक
पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे जाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये दो पे है ना, तो हमको एक करना पड़ेगा, यानी कि पाँच से एक करना पड़ेगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा, फोर आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि नेहा का पोजीशन नेहा का, और ये पूछता ना कि ये बात है कि फिर इनके बाद कितने कैंडिडेट हैं, तो फिर हम लोग 5 - 2 करते हैं, क्योंकि हमको एक्सक्लूड करके निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या है ना कि नेहा का पोजीशन निकाल रहे हैं, तो नेहा को भी हमको शामिल करना है, नेहा के पोजीशन को भी शामिल करना है, इसलिए नेहा से पहले जो कम रहेगा ना उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो क्लियर हुआ, 5 - 1 कर देंगे, मेरा 4 आंसर हुआ। वैसे इसमें भी क्या करेंगे, एक टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 25 दिया हुआ है और एक कैंडिडेट से उसका 3rd दिया हुआ है, दूसरे से निकालना होगा, तो 25 माइनस तीसरा खुद है उसका पोजीशन, तीसरा हमको निकालना है, यानी कि 2 माइनस कर देंगे, 25 - 2 इक्वल टू 23 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चंस में, जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि चार नंबर जो क्वेश्चंस हैं सबको बहुत ध्यान से केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ें, और फिर जब क्वेश्चंस को हम समझाएंगे तो फिर बहुत केयरफुली समझें, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बोला है कि सम बॉय सिटिंग इन ए रो, P is sitting 14 from the left end and Q is sitting 7 from the right end. If 4 boys sitting between P and Q, the find the total number of boy. ठीक है, P का जो पोजिशन है ना, देखिए P का जो पोजिशन है 14 from the left. P का जो पोजिशन है 14 from the left. And Q का जो पोजिशन है वो आपका राइट से क्या है, 7th है। अब बोला है कि P और Q के बीच 4 बच्चे हैं। अब P और Q के बीच 4 बच्चे हैं, तो फिर क्या पूछा है हमसे कि बताइए कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या है। अब इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ आप देखें, तो इसमें ये तो कहीं नहीं लिखा है ना कि P लेफ्ट में बैठता है कि P राइट में बैठता है, ऐसा कुछ वो मेंशन नहीं किया है। तो हो सकता है दो पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी दो क्या क्या हो सकता है ना उसको देखिए। फिर ये हो सकता है कि P आपका यहाँ बैठा हो, ये रैंक उसका 14 है जो दिया गया है, P का रैंक 14 है, और बोला ना कि P और Q के बीच कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो मान के चले कि 1 2 3 4, ये 4 बच्चे हैं, P और Q के बीच 4 बच्चे हैं, और Q का रैंक क्या है राइट से, 7th है ना, तो Q का रैंक आपका यहाँ पे हो जाएगा 7th राइट से, Q का पोजीशन। तो जब टोटल नंबर आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 14 प्लस ये 4 बच्चे इन लोगों के बीच में है 4 प्लस रैंक किधर से क्यों का राइट से क्या है रैंक 7th, यानी कि 7, तो कितना हो जाएगा 25। एक कंडीशन मेरा ये भी हुआ 25, क्यों, क्योंकि P का रैंक लेफ्ट से 14 है और P और Q के बीच कितने बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, तो P और Q के बीच हम 4 बच्चे को रख दिए, Q का रैंक जो राइट से कितना है 7th है, तो 7th यहाँ पे हो सकता है, तो तीनों का ऐड कर दिया तो मेरा 25। एक पॉसिबिलिटी तो मेरा ये भी बनता है। दूसरा पॉसिबिलिटी से क्या बनेगा, चलिए आप लिख दे रहे हैं, नोट डाउन कर दे रहे हैं कि एक मेरा आंसर क्या हुआ 25। दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनता है ना कि P जो है आपका लेफ्ट से 14th पे है। ध्यान से यहाँ सबको ध्यान देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब हम समझा रहे ना ध्यान समझिएगा। P जो है लेफ्ट से 14 है, यानी कि P से पहले 13 बच्चे और हैं। ये चीज क्लियर हो रहा है कि P जो है लेफ्ट से 14 है, तो यानी कि इससे पहले, इसके पहले 13 बॉय होगा। और क्या बोला है कि P और Q के बीच 4 बच्चे हैं, तो P और Q हो सकता है कि P और Q के बीच इधर 4 बच्चे हों, Q यहाँ हो गया हो सकता है ना, क्योंकि Q का रैंक फिर क्या बोला है, Q का रैंक 7 बोला है, तो Q का रैंक तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका यहाँ 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया, P यहाँ बैठा हुआ है, P मतलब इस एंड से हो सकता है ना 4। अगर ये बोलता है कि P और Q के बीच 20 बच्चे बैठे हुए, 20 बच्चे बैठे हुए, तब तो ये वाला पॉसिबिलिटी हम लेकर चल ही नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि इससे पहले तो 13 ही बच्चे हैं ना, तो फिर 20 बच्चे को हम कैसे बैठाएंगे, मैक्सिमम हम 12 बच्चे को बैठा सकते हैं, 20 बच्चे को नहीं बैठा सकते, क्यों, क्योंकि इससे पहले 13 बच्चा है, तो 20 बच्चे हम कैसे बैठाएंगे। लेकिन यहाँ जो बोला है कि P और Q के बीच क्या है, सिर्फ 4 ही बच्चा है, तो उससे पहले तो 13 बच्चा है, तो हम 4 बच्चे को बैठा सकते हैं ना, तो जब 4 बच्चे को बैठा सकते हैं, तो अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गया, P यहाँ पे है और Q मेरा यहाँ पे है, क्रॉस कर गया, यानी कि अब इसको रीजनिंग के भाषा हम लोग बोलते हैं ओवरलैप, ओवर क्रॉस कर गया एक दूसरे को, क्लियर हुआ। अब जब ओवर क्रॉस कर गया ना, तो ओवर क्रॉस कर गया, तो फिर यहाँ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस डी प्लस 2, ये टोटल नंबर ऑफ निकालने का होता है। कब होता है, जब एक दूसरे को, जब दो इंडिविजुअल एक दूसरे को ओवरलैप कर जा रहे हैं, क्रॉस कर जा रहे हैं, जैसे कि इस पॉसिबिलिटी में मेरा दिख रहा है, ठीक है ना।
तो लेफ्ट और राइट क्या हुआ कि एक बार आपका लेफ्ट से कितना है 14 प्लस राइट से कितना है 7 माइनस डिफरेंस कितना है पी और क्यू के बीच कितने बच्चे हैं 4 प्लस 2 यानी कि 14 7 21 माइनस 6 इक्वल टू 15। ये मेरा 15 आंसर हो गया। ठीक है, अब मे भी किसी किसी कैंडिडेट के अंदर ये दिमाग लग रहा हो कि कन्फ्यूजन हो रहा हो कि सर यहाँ हम लोग माइनस टू क्यों, क्योंकि फाइनली फिर माइनस जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होगा माइनस डी माइनस टू हो जा रहा था ना, तो माइनस टू क्यों हो रहा है। एक जो हम कंसेप्ट पहले समझाया था कि किसी एक का किसी एक इंडिविजुअल का जब दोनों छोर से दिया रहता था तो हम लोग माइनस वन क्यों करते थे, क्योंकि है इंडिविजुअल एक जन लेकिन जब उसको लेफ्ट से भी काउंट कर रहे हैं और राइट से भी काउंट कर रहे हैं तो उसको हम दो बार काउंट कर जा रहे हैं, जब दो बार काउंट कर रहे हैं तो इसीलिए है तो इंडिविजुअल एक ही जन इसीलिए एक माइनस कम कर रहे हैं। इसमें माइनस टू इसलिए कम करते हैं कि इधर ध्यान दीजिए पी का रैंक जब हम 14 लिए यहाँ पे एक तो पी आया और क्यू देखिए तो इसको क्रॉस कर गया है ना, तो यानी क्यू का पोजीशन को भी हम ले रहे हैं। एक एक कितना हुआ दो बार काउंट किए पी और क्यू को, मतलब एक बार पी को काउंट किए एक बार क्यू को किए, कब जब पी का पोजीशन हम लेफ्ट से लिए तब। अब जब हम क्यू का पोजीशन को राइट से ले रहे हैं तो देखिए यहाँ है ना, तो फिर पी भी मेरे पास आया एक बार और फिर क्यू का पोजीशन भी आया मेरे पास, यानी कि दो और दो कितना हुआ चार बार हुआ ना, लेकिन पी और क्यू कितने लोग हैं दो ही लोग हैं ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस टू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो आज के सेशन के लिए हमारे पास चार क्वेश्चन थे, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो फिर आप हमको कमेंट कर सकते हैं और हम आपको जरूर कमेंट करेंगे, आपके डाउट को दूर जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड पीस आउट।